टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में खुलासा किया है कि कंपनी अगले साल भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश करेगी। एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला कारों को भारत में लाने की प्रक्रिया जनवरी 2021 से ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह जानकारी ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में दी। बता दें कि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों के भारत आने की बात लंबे समय से चल रही है और मस्क ने खुद इस बात को कई बार दोहराया है, लेकिन इस बार लगता है कि कैलिफोर्निया स्थित इलेक्ट्रिक कार निर्माता अगले साल भारत में कदम रख सकता है। बाजार के जानकारों के मुताबिक शुरुआत में टेस्ला भारत में केवल एक या दो मॉडल पेश करेगी। आइए एक नजर डालते हैं टेस्ला कारों के दामों पर, लेकिन आपको बता दें कि ये दाम अमेरिकी बाजार के मुताबिक हैं और ये गाड़ियां जब भारत में आएंगी तब शायद आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। टेस्ला मॉडल 3, ये कंपनी की एंट्री लेवल टेस्ला कार है और ये किसी भी अन्य टेस्ला मॉडल की तुलना में भारत में ज्यादा बिक सकती है। मॉडल 3 एक लिथियम आयन बैटरी द्वारा चलती है जिसमें दोहरी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। इस गाड़ी का बेस मॉडल एक बार चार्ज करने पर 402 किलोमीटर तक चलता है और इस गाड़ी की रफ्तार 5.3 सेकंड में 0 से 96.56 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। संभावना है कि टेस्ला कार CBU यानी पूरी तरह से निर्मित होकर भारत पहुंचेगी, जो उन्हें काफी महंगा बना देगा। बता दें कि US में टेस्ला मॉडल 3 $38,000 से शुरू होता है, जो कि भारत में 27.88 लाख रुपए के बराबर है। टेस्ला मॉडल Y, ये टेस्ला की एक और गाड़ी है जो भारतीय बाजार में अपनी पैठ बना सकती है, वो है टेस्ला मॉडल Y। ये वास्तव में मॉडल 3 क्रॉसओवर है और सेडान के समान दिखता है, लेकिन मॉडल Y का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें वैकल्पिक तीसरी पंक्ति की सीटें मिलती हैं, जिससे ये 7-सीटर वाहन बन जाता है और यही खूबी भारत में इसे लोकप्रिय बना सकती है। मॉडल 3 की तरह ही मॉडल Y भी दो वेरिएंट्स में आता है, लॉन्ग रेंज JWD और परफॉर्मेंस। इस गाड़ी का बेस मॉडल एक बार चार्ज करने पर 468 किलोमीटर तक चल सकता है। आपको बता दें कि टेस्ला मॉडल Y की गाड़ी की कीमत अमेरिका में $50,000 है, जो कि भारत में 36.69 लाख रुपए के बराबर है। मॉडल 3 और मॉडल Y के अलावा टेस्ला मॉडल S और मॉडल X SUV को भी बनाता है, लेकिन ये दोनों काफी महंगे हैं। वहीं जानते हैं कि इस रेंज में भारत में पहले से कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं। महिंद्रा ई वेरिटो, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। टाटा टिगोर EV, इसकी कीमत भी करीब 10 लाख रुपए है। टाटा नेक्सॉन EV, इसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए है। MG ZS EV, इसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए है। और Hyundai Kona Electric, इसकी कीमत करीब 24 लाख रुपए है। भले ही टेस्ला भारतीय बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, लेकिन कंपनी के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। कारण है मोटे तौर पर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का होना। इसलिए ये मानना सही होगा कि टेस्ला केवल कुछ ही शहरों में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री शुरू करेगी, वे भी कुछ सुपर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के बाद। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।